उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भाजपा के खिलाफ पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में इस बार अखिलेश यादव सीएम के गढ़ से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। जी हां, अखिलेश यादव गोरखपुर में हुंकार भरेंगे, यहां समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे और ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी और इसका सीधा मकसद पूर्वांचल में जनाधार को मजबूत करना है। आपको बता दें कि ये विजय यात्रा के तीसरे चरण का अभियान 2 दिन तक चलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से विजय रथ में सवार होकर अखिलेश कुशीनगर की हर विधानसभा में 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे। अखिलेश यादव 11:30 बजे कुशीनगर बॉर्डर पर होंगे और फिर 12 बजे हाटा विधानसभा के झांगा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे पडरौना विधानसभा के बावली चौक पर अखिलेश सभा करेंगे और फिर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल वो कुशीनगर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव और इस यात्रा का रूट क्या रहने वाला है, क्या जानकारी है, इसके लिए नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। नीरज, क्या जानकारी है? और तो नीरज के पास हम आपको लिए चलेंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्वांचल में सपा का जो विजय रथ निकलने जा रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे दें। 2 दिन तक विजय यात्रा का ये तीसरा चरण चलेगा। थोड़ी देर बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। कल कुशीनगर से लखनऊ वापस आएंगे और इस दौरान हर एक विधानसभा में समय देंगे। 12 अक्टूबर से कानपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत में बुंदेलखंड का भी दौरा अखिलेश यादव ने किया था और आज सीएम के गढ़ में अखिलेश की ये विजय यात्रा पहुंच रही है। समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का आरंभ हो रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर तक आज हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का समापन होने वाला है और थोड़ी देर में यह परिक्रमा भी समाप्त हो जाएगी। सुबह 8:33 पर परिक्रमा समाप्त होगी। आपको बता दें कि अक्षय नवमी की पुण्यतिथि पर यह परिक्रमा कल सुबह शुरू हुई थी जो कि आज समाप्त होने जा रही है। हालांकि अयोध्या में कल से 5 कोसी परिक्रमा को लेकर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिख रही है। 5 कोसी परिक्रमा में भी लाखों लोग आते हैं। राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु उसमें उमड़े। अब कल से 5 कोसी परिक्रमा शुरू होगी, इसमें भी लाखों लोग आते हैं।